तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यूपी गोरखपुर के शीर्ष अधिकारी कथित तौर पर बिजनेसमैन मनीष गुप्ता के परिवार को FIR दर्ज करवाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के गोरखपुर जिले में पुलिस की कथित पिटाई से कानपुर के एक कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो गोरखपुर के DMSP के साथ पीड़ित परिवार की बातचीत का बताया जा रहा है। वीडियो में जो बातचीत है उससे लगता है कि आला अधिकारी आरोपी पुलिस वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और परिवार को इस बात के लिए समझा रहे कि वो केस दर्ज ना करें। इस बीच कल जब कारोबारी मनीष का शव गोरखपुर से कानपुर पहुंचा तो पुलिस को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। खबरों के मुताबिक पीड़ित परिवार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा। बता दें कि मनीष गुप्ता की सोमवार को शहर के होटल में देर रात पुलिस छापेमारी के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना पर लोगों के आक्रोश के बाद मंगलवार रात 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था और उसमें से 4 के खिलाफ बुधवार को हत्या का मामला दर्ज किया गया था। वैसे ये स्पष्ट नहीं है कि वीडियो किसने शूट किया, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट विजय किरण आनंद और पुलिस प्रमुख विपिन डाटा के साथ बैठक के दौरान मारे गए व्यवसायी के परिवार के सदस्य द्वारा फिल्माया गया था। इस वीडियो को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी में आप के प्रभारी संजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये आदित्यनाथ सरकार के अधिकार है, कह रहे हैं FIR ना लिखवाओ वरना सालों साल केस चलेगा। SP महोदय खुद मान रहे हैं पुलिस वालों का पहले से कोई झगड़ा तो नहीं था, मतलब साफ है कि एक निर्दोष व्यक्ति की बिना किसी जुर्म के हत्या कर दी गई, तो FIR क्यों नहीं, न्याय कैसे मिलेगा। वीडियो में दिख रहा है कि DM विजय किरण आनंद परिवार को कह रहे हैं कि कोर्ट में इस केस को सालों लग जाएंगे। मैं आपसे एक बड़े भाई की तरह अनुरोध कर रहा हूँ, केस दर्ज करवाने के बाद कोर्ट में सालों लग जाते हैं। वीडियो में पुलिस प्रमुख डाटा ने बीच में कहा, पुलिस की कोई पिछली दुश्मनी नहीं थी, आपने उन्हें सस्पेंड करने के लिए कहा और मैंने किया, क्लीन चिट मिलने तक उन्हें बहाल नहीं किया जाएगा। इस बीच एक महिला बीच में कहती है कि उनकी नौकरी ले ली जाए। बता दें कि दोनों अधिकारियों को मैसेज और फोन दोनों किया गया, लेकिन जवाब नहीं आया। दोनों अधिकारियों के सचिवों ने NDTV को बताया कि वो दोनों बैठक में व्यस्त है। गोरखपुर पुलिस पर आरोप है कि उसने होटल में रुके 3 युवकों से वसूली के लिए उनके कैमरों में छापा मारा और उनकी पिटाई की। इसमें एक शख्स की मौत हो गई। इस मामले में 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया और उन पर हत्या का मुकदमा कायम किया गया है। या तो मुझे उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे